स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये कॉलर बनाना बताऊंगी। देखिए ये कॉलर, ये 25 फंदे की कॉलर है। ये ऐसे ऐसे लंबी बनती है, फिर ये इसके हिसाब से ये मैंने सिलाई की है जी। ये इस तरीके से ये नाप के बना लेते हैं, जैसे गले के हिसाब से ये साइड से मैंने सिलाई कर दी है। फिर ये यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से ये मैंने ये गिन लेते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 फरी हैं जाली वाली, ये 10 फंदों में डल दी है 5 फरी, और 10 ही फंदे हमें इधर रखने हैं, ये उल्टे बनाने हैं। मैं बना के बताऊंगी ये किस तरीके से बनती है। ये बहुत ही प्यारी कॉलर है। देखिए कॉलर छोटी है बड़ी बन जाती है। जैसे मैंने ये 5 फरी बनाई है, ये जाली वाली, ये 5 जाली डाली है मैंने। आप इनको 6 भी डाल सकती हैं, 4 भी डाल सकती हैं, छोटी बड़ी हो जाती है, पर कॉलर के हिसाब से इतनी ठीक है। उस हिसाब से ये मैंने 25 फंदे डाले हैं। अब मैं बना के बताऊंगी। पहले हम एक फंदा ये सादा लेते हैं, ऐसे ये सीधा उतार लेते हैं। देखिए फिर ये फंदा आगे डालते हैं, ये आगे डाल लिया मैंने। यहीं से जाली डाल लेते हैं, पहले ये 2 फंदे बुनते हैं, ये एक साथ ये 2 लेते हैं, ये आगे इस तरीके से ये जाली डल गई। और फिर से आगे करेंगे, तरीके से 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, उस जाली के बाद में फिर 2 नहीं लेते हैं। ये फंदा एक ही बुन लेते हैं, बंद करते हैं इस तरीके से। ये मैंने ये सादा लिया था, फिर 1 2 3 4 ये 5 जाली हो गई, एक सीधा बुन लेते हैं इसके साथ। ये जो जे दिखाई दे रहा होगा, एक जी सीधा आता है, 5 हो गई। अब यहाँ 10 फंदे हम उल्टे ले लेंगे, जो जे फंदे दिखाई दे रहे हैं, 10 फंदे उल्टे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे उल्टे लेंगे। इस तरीके से शुरुआत होती है इसकी। पीछे से ये फंदा उल्टा वाला लेके एक तरफ से बुनते हैं, इधर से उतार लेते हैं, ये उतार लिया मैंने। और पीछे से पूरे इसी तरीके से निकाल लेंगे, पीछे कुछ नहीं करना है, सीधे इसी तरीके से बुन लेते हैं। ये जाली का फंदा है, इसको भी बुन लेते हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा, इसको बुन लेते हैं। ये पीछे से निकल गई है। और दूसरी सिलाई हम डालेंगे। ये पहले मैंने एक फंदा बुना था, अब ये दूसरा बुन लेंगे। ये जाली वाला फंदा इधर बुनते जाएंगे, सीधे सीधे बुनते जाएंगे, ये फंदा इधर बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ गए। फिर से धागा पीछे डालेंगे,
इसी तरीके से ये पहले जाली वाला फंदा इसके साथ बुनेंगे, ये दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे और ये इधर जाली पड़ती जाएगी, ये धागा आगे डालेंगे और ये जाली वाला पहला फंदा है और ये इसके साथ ये दोनों बुनेंगे, फंदा पीछे डालेंगे और इसी तरीके से ये साथ ही बढ़ जाता है और साथ ही घट जाता है। ये पांच जाली हम ऐसे डालेंगे, ये पांच जाली डाल दी है मैंने, और ये 10 फंदे हम उल्टे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये उतार लेंगे और पीछे से ऐसी सिंपल उतारेंगे। ये पीछे से कंप्लीट हो गए, आगे से फिर हम तीसरी जाली डालेंगे। ये देखिए ये दो पड़ गई, 1, 2, ये दो पड़ गई, फिर से हम सीधे लेंगे, पहले एक सीधा था अब दो थे और ये तीन हो गए, जाली वाले फंदे ऐसे सीधे होते जाते हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे इधर, ये सीधे हो रहे हैं ये जाली से, ये फंदे सीधे हो जाते हैं। फिर से हम इसी तरीके से लेंगे, ऐसे ही हम 10 जाली डालेंगे, अब जो है मैंने ये 10 जाली डल गई हैं। देखिए ये गांठ गिन लेते हैं, ये 9 गांठ हो जाए फिर 10वीं पे इनको एक साथ घटा देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 हो गई, ऐसी ये जाली हो जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये दिए इसमें 9, इन 9 डाल देते हैं, फिर इसको जो ये 10 फंदे उल्टे हैं इनको उल्टी तरफ से एक साथ घटा देते हैं, एक ये 2 फंदे लेंगे, एक एक कम हो गया और ये 2, फिर इसमें डालेंगे 3, फिर इसको इसी में डालेंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10, ये पूरे फंदे घटा देंगे और ये बाकी हम ये उल्टे बुन लेंगे,
ये जाली का फंदा है, इसको बुन लेते हैं। ये घटा दिए मैंने एक साथ, और यहाँ से ये दूसरी बुनाई डालेंगे। देखिए ये दूसरी बुनाई डालेंगे, ये यहाँ ये उल्टे फंदे हो गए, इनमें ये जाली डलेंगी। मैं डाल के बताती हूँ, ये ऐसे ही 10 फंदे हो जाते हैं जाली के। जैसे जैसे कि एक मैंने जी एक फंदा रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ऐसे फिर से यहीं से जाली डालेंगे, एक फंदा ऐसे बनेंगे, ये धागा आगे डालेंगे और ये 2 फंदे लेंगे, ये ऊपर एक लेंगे, ऐसी जी जाली पड़ जाती है, फिर से डालेंगे इसी तरीके से। यहाँ डाली थी ऐसे, ये 5 जाली डालेंगे, ये 2 डल गई, ये 3 डल गई, ये 4 हो गई, इसी तरीके से ये 5 जाली हो गई। इस सीधे पे ये जाली हो जाती है, और यहाँ से हम ये बाकी के 10 फंदे बचे इनको उल्टा कर देंगे। जो पहली जाली थी उन फंदों को ये उल्टा कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ये कॉलर बनती है, ये दूसरी बुनाई शुरू हो जाती है। ये पीछे से ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है, ये दूसरी मैंने डाल दी है। इसी तरीके से ये ऐसे फिर 9 जाली डालेंगे, इसी तरीके से जैसे ये डाली थी, ये जाली पे जाली डालते जाएंगे। और ये उल्टी सिलाई इसी तरीके से, जैसे ये मैंने 9 गिनी थी, ये 9 गांठ कर लेंगे करके, फिर इसी को एक साथ घटा देंगे। ऐसी ये डलती जाती है, फिर से ऐसी फंदे जी सीधे हो जाते हैं, इसी पे ऐसी डलती जाती है जो मैंने जी बताई आपको। इसी तरीके से कॉलर के हिसाब से जैसे जी इधर से शुरू होती है, और जैसे गला छेकते हैं उसी हिसाब से नाप लेते हैं। ऐसे मैंने जी नाप के जितना बड़ा गला उसी हिसाब से बना लेते हैं। जैसे मैंने इस गले के लिए ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पत्ती सी बन गई है। ऐसी 9 10 पत्ती की ये कॉलर पूरी बढ़िया आ जाती है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इधर से हम बंद करेंगे, इधर से ये सीधा आता है आराम से, सही कॉलर जैसी बनती है। ये मैंने ये नीचे पलट दिया है, जैसे पहली पहला जो वो है, तब हम बाद में कॉलर सिलते हैं तो इसको यूँ पलट देते हैं, तभी ये इस तरीके का आ जाता है। जो दूसरा ऐसा बनेगा वो यहाँ सही आ जाएगा, क्योंकि ये लटकता है, तो इस तरीके से ये कॉलर सही नहीं आएगी, ये यूँ पलटना पड़ेगा आपको। जब सिलेंगे, जब इधर से उल्टे फंदे में ये सिलेंगे, तब ये कॉलर बढ़िया आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।